नमस्कार, खासखबर.com में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्वल गुप्ता। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार का बड़ा फैसला, सुप्रिया सूले व प्रफुल्ल पटेल बने एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष। बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने नीतीश की तुलना गजनी से तो राहुल की तुलना ओसामा बिन लादेन से की। लुधियाना में बंदूक की नोक पर 7 करोड़ लूटे, 10 लुटेरे एटीएम कैश कंपनी के ऑफिस में घुसे, स्टाफ को बंदी बनाया। गुजरात एटीएस ने पोरबंदर से 4 लोगों को गिरफ्तार किया, इनमें से एक विदेशी नागरिक भी, आतंकी संगठन आईएसआईएस से लिंक। एनसीबी ने मुंबई के डोंगरी में ड्रग तस्करी सिंडिकेट पकड़ा, 50 करोड़ रुपए की ड्रग बरामद, 3 लोग गिरफ्तार। गुजरात के पाटन पहुंचे अमित शाह, बोले राहुल बाबा जब भी वेकेशन के लिए विदेश जाते हैं तो वहां भारत की बुराई करते हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा वर्ष 2040 तक 27 से 28 ट्रिलियन डॉलर की होगी भारतीय इकोनॉमी। दिल्ली के द्वारका अपार्टमेंट में लगी आग, झुलसकर एक बुजुर्ग की मौत। मणिपुर में ताजा हिंसा के बाद 11 अफसरों का तबादला, इनमें आईएएस और आईपीएस शामिल। दिल्ली एयरपोर्ट पर 62 लाख रुपए से ज्यादा के सोने के साथ 2 गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के भिंड में आग से झुलसकर 3 बच्चों की मौत। डायमंड संजीवनी प्रोजेक्ट, राजकिशोर मोदी, सुजाता मोदी, सिद्धार्थ जयपुरिया और संजय पसारी फरार। भरतपुर के एक होटल की दीवार टेम्पो पर गिरी, टेम्पो का ड्राइवर दबा, हुई मौत। उदयपुर बाढ़ नियंत्रण की तैयारी, अतिवृष्टि से निपटने के लिए कलेक्टर ने कहा गत वर्षों के अनुभवों से सीख लेकर बेहतर तैयारी करें। कोटा में मॉक ड्रिल, किशोर सागर में 20 लोगों के डूबने की सूचना पर मचा हड़कंप। आप पार्षद लाड़ी पर सांसद किरण खैर का पलटवार, बोली मैंने किसी धर्म को गलत नहीं कहा। नंदमूरी बालकृष्ण की अगली फिल्म भगवंत केसरी का टीजर आउट। जरा हटके जरा बचके हिट की संभावना खत्म, फास्टैग से पीछे रहेगी ट्रांसफॉर्मर। अगली फिल्म के लिए संदीप्तो ने मिलाया संदीप सिंह से हाथ, अटल और सावरकर का कर चुके निर्माण। आई लव यू सीन के लिए 14 घंटे तक पानी में रही रकुल प्रीत सिंह। फीफा महिला रैंकिंग में अमेरिका शीर्ष पर बरकरार। भारत महिला जूनियर एशिया कप के फाइनल में हॉकी विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया। भारतीय मूल के विशाल गर्ग की Better.com ने रियल एस्टेट टीम को निकाला। कंगाली के बावजूद पाकिस्तान ने रक्षा बजट 16% बढ़ाया। टोक्यो एयरपोर्ट पर 2 विमान टकराए। अभी तक की खबरों में बस इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, मोबाइल प्ले स्टोर पर जाके हमारे ऐप को डाउनलोड करें और खबरों को विस्तार से जानने के लिए हमारी वेबसाइट www.खासखबर.com को लॉगिन करें। धन्यवाद।